वेलकम बैक टू फिजिक्स यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। सो इस टॉपिक को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि दो चार्जेस या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, सो कूलम्स लॉ क्या है? बेसिकली कूलम्स लॉ एक्चुअली वो एक ऐसी लॉ है जो आपको यही बताती है कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल कर रहे हैं तो उनके बीच में वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा। मतलब फोर्स का क्या बता दिया आपको? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ उसमें डायरेक्शन भी है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। इट स्टेट्स दैट या अकॉर्डिंग टू इट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। And inversely to the square of separation between them. तो कूलम्स लॉ बेसिकली ये कहती है कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, और इनवर्सली होगा किसके? उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो इसी के लिए हमने क्या किया, लेट सपोज हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2। बाय डिफॉल्ट हमने पॉजिटिव चार्जेस माने और लेट सपोज इनके बीच में सेपरेशन हमने मान लिया कितना R। तो भाई कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या रिपल्शन लगे, बाय द वे पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन। तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डॉट Q2। ठीक है, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आर स्क्वायर। ये कैसे लिखा? और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इनवर्सली होगा किसके? स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है उसकी सेपरेशन के स्क्वायर के। तो लेट सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आप इन दोनों को कंबाइन करोगे अब यहां पे, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शन का साइन ला के आप एक कॉन्स्टेंट लगाते हो के, स्मॉल के होता है बेसिकली Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज, के क्या होता है आपका? फोर्स कांस्टेंट। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये के ध्यान रखना हमेशा किसके इक्वल होता है? 1/4πε0। अभी बताऊंगा ये चीज क्या होती है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे के की जगह, आप क्या पुट करोगे? 1/4πε0 × Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, फाइनल फॉर्मूला? दस F is equals to 1/4πε0 × mod of Q1 dot Q2 divided by R square। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया कूलम्स लॉ का। बिल्कुल सिंपल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली था किसके? स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। कंबाइन किया, K की जगह हमने, K की वैल्यू एक्चुअली होती है डायमेंशन लेकर आपको प्रूव करने जाओ अगर आप इसको, तो 1/4πε0, वेयर K इज फोर्स कॉन्स्टेंट। Now, बात करते हैं इस 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
एनीवेज दिक्कत की बात कोई नहीं है, ये सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी एग्जाम में गिवन होंगी, ठीक है। नाउ जरा एब्सोल्यूट नॉट बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। देखिए एब्सोल्यूट नॉट होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है किसकी, फ्री स्पेस की। परमिटिविटी बेसिकली एक टर्म है जो किसी मीडियम में दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग सकता है उसको बताती है। देखिए परमिटिविटी में एक वर्ड शायद आपको मिलता जुलता दिखाई दे, परमिट 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 मतलब क्या, परमिट मतलब अलाउ करना। तो दैट इज किसी भी मीडियम की परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो ये अलाउ कर देगी भाई दो चार्जेस के बीच उस मीडियम में कितना फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज समझ आई होगी कि भाई कूलम्स लॉ क्या होती है। कूलम्स लॉ क्या होती है, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। नाउ आपने अगर एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करी हो तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, मतलब अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कंसिडर करते वक्त आप उसका सिर्फ क्या लोगे, मैग्नीट्यूड, मतलब आप उसका साइन कंसिडर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे चार्ज है -3 तो -3 नहीं लोगे आप, सिर्फ क्या लोगे +3, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। फोर्स के डायरेक्शन आप देखोगे कि फोर्स अट्रैक्ट करेगा या फिर लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे दूसरे को रिपेल। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अभी हमने यहाँ पे बात करी है किसकी, फ्री स्पेस की। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरा बता रहा हूँ, फ्री स्पेस से मतलब क्या होता है हमारा, ध्यान रखिएगा। फ्री स्पेस से हमारा मतलब होता है एयर से या फिर किससे, वैक्यूम से। फ्री स्पेस से मतलब किससे होगा हमारा यहाँ पे, एयर से या फिर किससे, वैक्यूम से। मतलब जब चार्जेस किस में रखे होंगे यहाँ पे, एयर में रखे होंगे, या फिर चार्जेस किस में रखे होंगे यहाँ पे, वैक्यूम में। ओके देयर इज दिस थिंग, नाउ व्हाट इफ अगर चार्जेस एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखे हैं तो क्या होगा। तो उसी के लिए एक पॉइंट बनता है यहाँ पे, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, लाइक वही हम वापस चार्जेस मान लेते हैं Q1 Q2, वही चार्जेस सेपरेशन, वही इनके बीच स्मॉल आर, बट डिफरेंस क्या हो गया इस बार यार, ये चार्जेस रखे हुए आपके किसमें, किसमें रखे हुए, किसी भी मीडियम में। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस मीडियम इज अदर देन एयर और वैक्यूम, कि ये जो मीडियम है ना यार, ये मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और है, क्योंकि फ्री स्पेस है मतलब एयर या फिर वैक्यूम, मीडियम की बात करी तो ये मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और है, ठीक है, एयर और वैक्यूम नहीं है। तो क्या होगा, देखिए बिल्कुल सेम चीज से लेगी, हम मान लेते हैं इसको FM। देखिए FM का मतलब है यहाँ पे फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम, जब वो किस में रखे होते हैं यार, किसी भी मीडियम में रखे होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, कि जब भी मीडियम की बात आती है, जब भी किसकी बात आती है, मीडियम की, तो आप फोर्स के फॉर्मूले में, दोबारा रिपीट करूं, जब भी मीडियम की बात आएगी और वो मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और होगी, तो आप फोर्स के फॉर्मूले में, फोर्स के फॉर्मूले में आप एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन। जब भी मीडियम आएगी तो आप एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करेंगे, हमेशा फोर्स के फॉर्मूले में एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, बहुत सिंपल है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी होती है किसकी, मीडियम की, ये बात आप ध्यान रखिएगा प्लीज। दोबारा मैं इस पॉइंट को रिपीट करूं कि जब भी मीडियम आएगी, मीडियम शुड बी अदर देन एयर और वैक्यूम, तो आप फोर्स के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की जगह किसको रिप्लेस करेंगे, बस एप्सिलॉन को, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी सेम, और एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो फॉर्मूला इज वन, फॉर्मूला क्या था एक्चुअल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करोगे, एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई R²। नाउ देर इज दिस थिंग, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमारे इससे पहले फॉर्मूला आया था, एंड वो फॉर्मूला ये था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1
Q1 dot Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखिए लेट सपोज हम इसको मान लेते हैं फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर, मतलब एफ ए। तो लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं अब, नाउ हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन वन को किससे, इक्वेशन वन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन 2 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे एफ ए बाई एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 dot Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 dot Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इससे ही कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, 4 पाई से 4 पाई भी गया, क्या बचा आपके पास, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा एक फिर से इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जबकि एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, परमिटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब भी आप रेशियो लेते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम का किससे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो एक नई टर्म बन जाती है एप्सिलॉन आर, एंड दिस एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और ये रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल होती है कैपिटल के, और ये कैपिटल के क्या होता है आपका यहाँ पे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ तो यहां से एक फॉर्मूला आपके सामने आता है, एफ ए बाई एफ एम इज इक्वल्स टू के, एंड वॉट इज के, के इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके नाउ द थिंग इज, मैं ये आपको सब लाइक जिस डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में मीडियम का होता है बेसिकली एयर है, तो एयर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1.0054 समथिंग कुछ होता है, वैक्यूम है तो वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 होता है, वाटर है तो वाटर का के जो होता है वो 80 होता है ना। देखिए बात करते हैं यहाँ पे अब हम कि ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया था एफ ए क्या था, एफ ए वॉज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेन दे वर प्लेस्ड इन एयर। नाउ वॉट इज एफ एम, एफ एम इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। सो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ इस तरीके से आप खुद बना सकते हैं उसको, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेन दे आर प्लेस्ड इन एयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम। तो बस इसी को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, इसी को आप क्या बोलते हो, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई वाटर है तो वाटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 होता है, एयर है तो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही माना जाता है, बट होता है एक्चुअल में 1.0054 समथिंग है। एंड देन देर इज दिस थिंग, अगर यहाँ पे कोई लेट सपोज वैक्यूम है तो इट विल बी इक्वल्स टू। Now, अब इस टॉपिक पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बात कर ली कूलम्स लॉ के बारे में, कि भाई कूलम्स लॉ क्या है, क्या होती है, फोर्स कितना लगता है चार्जेस के बीच में जब वो एयर में होते हैं फिर वैक्यूम में होते हैं, हमने इस बारे में बात कर ली कि देर इज दिस थिंग फोर्स कितना लगेगा चार्जेस के बीच में जब वो किस में रखे होंगे, किसी भी मीडियम में, एंड दैट मीडियम शुड बी अदर देन एयर और वैक्यूम, फॉर एग्जाम्पल वाटर भी हो सकती है। ना देखिए होता क्या है, हर एक चीज की ना लिमिटेशंस होती हैं इस दुनिया में, मतलब कोई चीज किसी रेंज, मतलब हर एक चीज की लिमिटेशंस होती हैं, हर एक चीज की, चाहे वो कोई भी चीज हो। बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे कूलम्स लॉ जो है हमारी, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कूलम्स लॉ है यहाँ पे इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अभी हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, इसकी तीन लिमिटेशंस है बहुत सीधी सीधी। देखिए हमने सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हमने उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्जेस किस पे होते हैं, हमेशा रेस्ट पे होते हैं। तो फर्स्ट इज चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, जो चार्जेस होने चाहिए वो कैसे होते हैं, हमेशा पॉइंट चार्जेस होते हैं। तीसरी लिमिटेशन, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है या फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ,
एग्जिस्ट, एग्जिस्ट थोड़ा सही वर्ड नहीं है, एक्ट्स ओनली, कि कूलम्स लॉ का फोर्स तभी लगेगा, एक्ट्स ओनली व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज. न्यूक्लियर साइज का मतलब 10^-15 मीटर समथिंग से. नाउ ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको तो पता होंगे दोनों पॉइंट्स ऊपर के. नाउ कोलम्स लॉ का फोर्स तभी लग सकता है दो चार्जेस के बीच में अगर उन चार्जेस के बीच में सेपरेशन किससे बड़ा है आपके, किससे बड़ा है यहाँ पे आपके, न्यूक्लियर साइज से. देखिए अगर सेपरेशन न्यूक्लियर साइज से छोटा हुआ तो क्या होगा, अगर सेपरेशन न्यूक्लियर साइज से छोटा हुआ ना यार, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कभी नहीं लग सकता, उस केस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लगेगा. एंड एज ऑल ऑफ यू नो कि भाई न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर. ओके, सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, की ये तीन लिमिटेशंस है कूलम्स लॉ के यहाँ पे. नाउ थोड़ा हम आप प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि कूलम्स लॉ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या जो भी है. ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ में. यहाँ पे हम तो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो फोर्स है, फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है. ये तो आपको पता है. अट्रैक्टिव कब होगा, जब चार्जेस किस में होंगे, जब चार्जेस का साइन क्या होगा, अट्रैक्टिव कब होगा, जब चार्जेस का साइन क्या होगा, ऑपोजिट. और रिपल्सिव कब होगा, जब चार्जेस का साइन क्या होगा, सेम. नाउ सेकेंड इज फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर ऑफ टू चार्जेस. मतलब कि ये जो फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, ये हमेशा किसके अलॉन्ग लगेगा, हमेशा उस लाइन के अलॉन्ग लगेगा जो लाइन दो चार्जेस को क्या कर रही है, ज्वाइन. फॉर एग्जाम्पल जैसे दो चार्जेस हैं क्यू वन और क्यू टू, लेट्स सपोज. ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल. देखिए क्यू वन क्यू टू को रिपेल करेगा, तो क्यू वन क्यू टू को रिपेल कहाँ करेगा, इस तरफ. और मान लेते हैं इनके बीच में सेपरेशन कितना है, तो क्यू वन क्यू टू को रिपेल, रिपेल मतलब होता है दूर भगाना, तो क्यू वन क्यू टू को दूर इधर भगाएगा अपने से, बिल्कुल ठीक. अब क्यू टू क्यू वन को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल मतलब दूर भगाना, तो क्यू टू क्यू वन को भी कहाँ भगा रहा है, दूर भगाएगा, तो मतलब दूर भी इस तरफ भगा रहा है. तो आपने यहाँ पे ये देखा कि ये दोनों फोर्सेस इस लाइन के कहां लग रहे हैं, अलोंग. तो बस यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो फोर्स होता है भाई आपका, वो हमेशा किसके अलोंग लगता है, इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, कि दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके कहां लगता है, हमेशा अलोंग लगता है. थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स, दैट इज इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि ये जो फोर्स है ये हमेशा किस में लगता है, पेयर्स में लगता है. मतलब ये न्यूटन की थर्ड लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे. देखिए पेयर्स का मतलब यहाँ पे ये यह है कि जैसे मैं एक चार्ज हूं, मैं खुद के ऊपर फोर्स नहीं मार सकता. अब खुद को थप्पड़ थोड़ी मारो गया, ठीक है, किसी को मारना है तो कोई दूसरा बंदा चाहिए ना. तो सेम ऐसे ही कि फोर्स जो है वो हमेशा किस में एक्ट करता है, पेयर्स में एक्ट करता है. अगर आप, अगर एक चार्ज को फोर्स लगाना है तो उसको दूसरे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, मतलब पेयर. ठीक है, बिल्कुल ऐसे. इसका मतलब क्या बनता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, कि ये हमेशा किसको फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को. और थर्ड लॉ भाई हमारी क्या कहती है, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो हम देख लेते हैं, तो एफ एन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो एफ एन का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू वन क्यू टू बाई, अभी तो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, तो ये वाला फोर्स. अब आप देखोगे एफ टू का भी मैग्नीट्यूड यही है, तो मतलब एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के क्या है, इक्वल. और आप यहां से देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट. हेंस कौन सी लॉ,
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो इस वीडियो में हमने देखा कूलम्स लॉ के बारे में। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर आउट हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट विल बी अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।